अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग, कोर्स कोड 8610, यूनिट 8 का पार्ट 2 आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एसोसिएटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इट इज डिफाइंड एज लर्निंग प्रोसेस इन विच अ न्यू रिस्पॉन्स बिकम्स एसोसिएट with a particular stimulus. It is of two types: classical conditioning, trial and error learning. तो पहले हम देखेंगे classical conditioning theory कौन सी है और इसकी details क्या है। Associationism. Two events can become associated with each other. When think of one event, automatically recall the other. जब भी आप किसी एक इवेंट के बारे में सोचें, किसी एक बात के बारे में सोचें और उससे जुड़ी आपको दूसरी बात याद आ जाए, तो ये एसोसिएशनिज्म होता है। क्लासिकल लर्निंग थ्योरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी पर गए हैं, किसी गेट टुगेदर पर गए हैं और आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, तो आपको पार्टी के साथ, गेट टुगेदर के साथ जो एसोसिएशन दूसरी आपके हिसाब से लर्निंग जो आपने की आइडियाज़ के हवाले से, आपकी थिंकिंग के हवाले से, तो वो ये है कि वो इंजॉयमेंट है। कोई भी गेट टुगेदर जो है वो इंजॉयमेंट से एसोसिएटेड होगा आपके साथ। या फिर दूसरी सूरत में, अभी हम आगे देखते हैं, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको अरिस्टोटल के बारे में पढ़ के फिर बताती हूँ। अरिस्टोटल प्रपोज्ड For an association, two events must be similar to or opposite to each other. कोई भी दो चीज़ें जो हैं उनमें एसोसिएशन सिमिलर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अब एक इवेंट पर आप गए, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया किसी पार्टी पर, और दूसरे पर गए तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी एसोसिएशन में ये भी हो सकता है कि जो गेट टुगेदर है वो इंजॉयमेंट का नाम है, आपकी एसोसिएशन में ये भी हो सकता है कि गेट टुगेदर पर गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, घबराहट थी और कोई मज़ा नहीं आया। द होल थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। जो आपका पूरा लर्निंग का प्रोसेस है वो सारा रिफ्लेक्शन है आपके जो आइडियाज़ की एसोसिएशन है उसका है। इसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या चल रहा है। कंडीशनिंग इज अ बिहेवियरल प्रोसेस वेयर बाय अ रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल इन अ गिवन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको, आप लोग इसकी उर्दू से समझ सकते हैं कि शर्त है, मशरूत है। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये लर्निंग मशरूत है। किस तरह? कि ये आपके, पहले हमने पिछली स्लाइड पर देखा कि किसी दिमाग का, किसी चीज़ का सोचना जो था वो वहाँ तक की लर्निंग थी, लेकिन अब यहाँ पर बिहेवियरल प्रोसेस की बात हो रही है, यानी आप कुछ सोचकर उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। अब यहाँ इन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने एक डॉगी और फूड की मिसाल दी है, जो हम शायद कहीं आपने भी सुनी होगी ये वाली एग्जाम्पल, लेकिन चूँकि ये हर लर्निंग की जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अंदर यही एग्जाम्पल बताई जाती है, तो मैं भी यहाँ पर वही लेकर आई हूँ, आपकी बुक में भी यही दी हुई है। इसमें ये है कि इसमें रिस्पॉन्स जो है आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स, अब आपका हो या किसी भी जानदार का हो, यहाँ पर डॉग की एग्जाम्पल है, वो मोर फ्रीक्वेंट होता है, बहुत तरतीब से होता है, मोर प्रिडिक्टेबल होता है, यानी आप सोच सकते हैं कि अब उसने इस तरह का बिहेव करना है, अगर ये कंडीशन होगी तो ये तरह का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जहाँ वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं बिहेवियर का, बिहेवियर शो कराने का, तो वहाँ पर आपको ये सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, रीइन्फोर्समेंट देंगे। अभी इसकी डिटेल बताती हूँ मैं आपको, तो आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आप पॉइंट्स देखें कि कंडीशनिंग बिहेवियर प्रोसेस है, कंडीशनिंग है एक बिहेवियरल प्रोसेस जिसके थ्रू आप एक
स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में एक गिवन रिस्क इन्फोर्समेंट के नतीजे में आप अपना प्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो है वो उस एनिमल का देख सकते हैं. रीइन्फोर्समेंट टिपिकली बिगिन अ स्टिमुलस और रिवार्ड फॉर डिजायर रिस्पॉन्स. जो भी आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं उस डॉग से वो टिपिकली उस स्टिमुलस से शुरू होगा या उस रिवार्ड से शुरू होगा जो आपने उसको एट द एंड उस रिस्पॉन्स देने पर दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ जो तस्वीर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, एक बेल, एक डॉग की फूड और एक डॉग, तीन चीजें हैं उस तस्वीर में. अगर आप बेल बजाएं, ठीक है, बेल बजाएं, आपकी ये पहला कंडीशन हो गई एनवायरमेंट की. उसके बाद उसको फूड दें तो डॉगी उसको फूड को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, जबान निकालता है. अब क्या होगा जब आप 10 दफा 5 दफा यही एक्सपीरियंस कर लेंगे तो उसके बाद जब आप बेल बजाएंगे, अभी फूड उसके सामने नहीं आई होगी लेकिन उसका रिस्पॉन्स वही होगा जो कि फूड सामने आने पर होता था, यानी जबान बाहर निकाल कर खाने के लिए तैयार, जैसे कि दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं. तो इस एग्जाम्पल से ये बताया गया है कि कंडीशनिंग लर्निंग जो है वो किस तरह से होती है, यानी उसने बिहेवियर बिहेवियर अपना शो कराना जो है ना वो लर्न किया कि बेल बजते ही मुझे खाना मिलता है. ठीक है, तो रीइन्फोर्समेंट जो है वो था उसको खाना मिलना, बेल बजना, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था जो प्रिडिक्टेबल हो गया आपके लिए कि अब आप बेल बजाएंगे और उसने मुंह खोल लेना है, वो इसलिए कि वो प्रैक्टिस से हुआ, बार बार के प्रोसेस से हुआ. कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लर्निंग. इट इज द डिवेलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न इन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट. क्लासिकल कंडीशनिंग, अगेन वही तस्वीर आपके सामने है, उसके चार पार्ट्स हैं, चार प्रोसेस हैं, चार स्टेप्स बताए गए हैं कि पहले फूड देखकर डॉग खाता था, फिर बेल के साथ उसको फूड दी गई, फिर उसको फूड और बेल दोनों चीज़ें साथ दी गई, और अगेन आखिरी स्टेप पर सिर्फ बेल बजने पर ही वो ही रिस्पॉन्स दे रहा है जो पहली तस्वीर में दे रहा था, यानी जब फूड सिर्फ उसके सामने थी. तो अब उसने फूड की जगह बेल के आवाज़ पर भी वही रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया जो कि फूड की वजह से दिया जा रहा था. तो ये उसकी बिहेवियर की ट्रेनिंग की गई है इस तरह से प्रैक्टिस करवा कर. क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच अ प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद एन अदर स्टिमुलस थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद दिस दैट स्टिमुलस. जब हम पहले बेल की बात कर रहे थे, स्टिमुलस उसके लिए गिजा थी पहली तस्वीर में, लेकिन दूसरी में उसको बेल भी साथ बजा के दिखाई गई कि बेल बजेगी फिर गिजा आएगी, तीसरी में वो दोनों चीजों को साथ लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, और चौथी तस्वीर में आप देखें तो बेल ही उसको काफी है उस बिहेवियर तक लाने के लिए जो कि फूड देखने के बाद वो शो कराता था. यहाँ पर है कनेक्शनिज्म, ट्रायल एंड एरर, ये दूसरी लर्निंग थ्योरी है. अभी हमने क्लासिकल पढ़ी थी, ये सेकंड है. कनेक्शन किस तरह से होगा, अब आप यहाँ पर इस तस्वीर को, इस चारों पहलुओं को एक बार देख लें तो नेक्स्ट स्लाइड पर इनकी डिटेल बताई गई है. शायद वहाँ पर इतना ज़्यादा राइटिंग है कि हम तस्वीर नहीं साथ रख सके. तो यहाँ पर आप देखें कि एक जो एक्टिविटी है उसकी 4 स्टेजेस दिखाई गई हैं तस्वीर में. बिल्ली को एक केज में बंद किया हुआ है, ठीक है, और उसके सामने फिर खाने की चीज़ रखी है केज से बाहर, तो वो किस तरह से वहाँ तक पहुँचती है ये हम अब देखते हैं डिटेल में. कनेक्शनिज्म थ्योरी बाय E.L. थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक वाज इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग ऑफ चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन भी एक नज़रिया लेकर आए थे कि इंसान कैसे वजूद में आया. ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी थ्योरी है, कभी आप मौका मिले तो देखिएगा. यहाँ पर थॉर्नडाइक जो हैं वो इंस्पायर्ड थे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, और उन्होंने ये
उनकी राइटिंग से इंस्पायर थे, तो उन्होंने ये थ्योरी दी उस इंस्पिरेशन की वजह से, कनेक्शनिज्म की। थर्नडाइक इंक्लूडेड द एनिमल दैट एनिमल अनलाइक ह्यूमन डू नॉट लर्न बाय डेवलपिंग सम इनसाइट, रादर दे लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। थर्नडाइक का ये ख्याल है कि इंसान, हमने पिछली एपिसोड में और पिछले सारी जो लर्निंग स्टाइल्स से उनमें देखा कि लर्निंग बाय इनसाइट भी एक चीज़ थी, यानी हम बसीरत से भी सीखते हैं, तो इंसान तो सीख सकते हैं, इंसानों की लर्निंग तो लर्निंग बाय इनसाइट हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी लर्निंग के लिए ट्रायल एंड एरर जो है वो थ्योरी है सिर्फ, कि ट्रायल एंड एरर से ही वो सीखते हैं, उनके पास इनसाइट नहीं होती। इन अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट अ हंग्री कैट इज प्लेस्ड इन अ केज हुज डोर इज हेल्ड फास्ट बाय अ सिंपल लैच। अब आप देखें कि तस्वीर को जहन में लाएं, पिछली स्लाइड वाली को मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर एक टिपिकल एक्सपीरियंस किया गया एक भूखी बिल्ली के साथ, जिसको एक केज में रखा गया, और यहाँ उसको आप देख सकते हैं कि वो सिंपल एक डोरी के साथ वो केज, उसका डोर जो है वो बंद किया गया, सिंपल केज डोर जो है सिंपल धागे के साथ उसका बंधा हुआ है। इनिशियली द कैट ट्राइज टू रीच द फूड बाय एक्सटेंडिंग इट्स पा थ्रू द बार्स। यहाँ पर अगेन मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी कि बिल्ली जो है वो पहले, आप पहले कॉर्नर में यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड पर, जो अपर साइड पर जो पिक्चर है वहाँ पर बिल्ली ट्राई कर रही है कि सिंपली वो अपना पंजा बाहर निकाल कर उस केज की बार्स में से वो गिज़ा हासिल कर ले, लेकिन वो इस तरह से नहीं कामयाब होगी। तो सेकेंडली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उसने वो डोरी जो है उसको देख रही है और हिलाने की कोशिश करी कि कहाँ से खोला जाए। When this fails, जब वो पंजा बाहर बार से निकाल कर ट्राई करती है गिजा हासिल करने की और फेल, नाकाम रहती है, द कैट मूव्स अबाउट द केज, तो वो उस केज के अंदर घूमती फिरती है, चक्कर लगाती है, engaging in a variety of behaviors, तो तब वो different मुख्तलिफ तरह के behaviors उसके शो हो रहे होते हैं कि कभी वो उस कोने में जाके देख रही है केज के, कभी उसको कोने में जाके देख रही है, और कभी उसको ऊपर देख रही है, कभी नीचे, के कौन सा रास्ता बनेगा तो मैं इस गिजा तक पहुंचूंगी। एट सम पॉइंट इट एक्सीडेंटली हिट्स द लेज, फ्रीज इटसेल्फ एंड ईट्स द फिश। किसी एक पॉइंट पर जब वो ये सारा कुछ कर रही होती है, केज के अंदर चक्कर लगा रही है, तो हादसाती तौर पर अचानक से उसका हाथ या पंजा जो है वो टकरा जाता है उस डोरी से, जिससे वो खुल जाता है दरवाजा, और फिर वो फिश खा लेती है, पहुंच जाती है अपने खाने तक। ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब बहुत दफा उसके साथ ये वाला तजर्बा किया जाता है, द कैट एलिमिनेटेड मैनी ऑफ इट्स इररेलेवेंट बिहेवियर्स, तो बिल्ली उसमें से जो उसने पहली बार केज के अंदर चक्कर लगा लगा कर मुख्तलिफ बिहेवियर्स शो कराए थे, यानी कभी छत की तरफ देख रही है, कभी दीवार की तरफ, कभी किसी कोने की तरफ केज की, वो सारे जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो वाले एरर्स थे ना, क्योंकि वो पहली बार वो सारे एरर्स से गुजर कर उस फूड तक पहुंची थी, तो जब बहुत दफ़ा उसके साथ ये ट्रायल होगा और काफ़ी दफ़ा उसको ये प्रैक्टिस होगी, तो वो सारे जो इररेलेवेंट बिहेवियर थे, छत की तरफ देखना, दीवारों की तरफ देखना केज की, वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी एरर्स कम हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली इट ओपन्स द लेज एंड फ्री इटसेल्फ एज सून एज इट इज़ प्लेस्ड इन द केज। तो जितना वो जल्दी उसको केज में रखा गया होगा, फौरन से वो उससे निकल कर बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसने इररेलेवेंट बिहेवियर्स में टाइम ज़ाया नहीं किया और उसने सीख लिया ट्रायल एंड एरर से कि केज से बाहर किस तरह से आना। द कैट हैज़ लर्न टू ओपन द लेज टू ऑब्टेन फूड, अब उसने सीख लिया है कि किस तरह से डोरी हटानी है और गिज़ा हासिल करनी है। इट मे साउंड एज इफ द कैट इज एक्टिंग इंटेलिजेंटली, आपको शायद इस तरह से महसूस हो कि बिल्ली तो जहानत का मुजाहरा कर रही है, बट थॉर्नडाइक आर्ग्यूड
दैट देयर इज अ लिटिल इंटेलिजेंस। लेकिन थॉर्नडाइक का जो नज़रिया है वो ये दलील देते हैं कि ये तो एक छोटी सी जहानत है ऑपरेटिंग हेयर जो कि यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अगर इंसान इसकी जगह हो तो वो अपनी बसीरत से सीख सकते हैं। उसने बिहेवियर, ये इररिलेवेंट बिहेवियर नहीं शो कराने थे, उसने सीधा दरवाजे की तरफ ही देखना था कि यहीं से ही रास्ता है बाहर जाने का। द कैट परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स ग्रेजुअली ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रायल्स। तो बहुत सारे जब प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे गलतियाँ वो कर लेगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। द कैट अपीयर्स टू बी एंगेजिंग इन ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इससे पता चलता है कि बिल्ली जो है उसकी लर्निंग ट्रायल एंड एरर से हुई, यानी सही और खता जिसको उर्दू में कहते हैं। एंड व्हेन अ रिवॉर्ड इमीडिएटली फॉलोज वन ऑफ दोज बिहेवियर्स द लर्निंग ऑफ द एक्शन इज स्ट्रेंथन। तो जिस तरह से उसको बार बार वो गजा उसके सामने रखी जाएगी और बार बार उसको उसी तजर्बे से गुजारा जाएगा, तो उसकी जो लर्निंग है, जो तालुम है, वो पुख्ता होगा। थॉर्नडाइक रेफर्स टू दिस स्ट्रेंथनिंग एज द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक जो है इसको लर्निंग का लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं कि वो बार बार एक ही तजर्बे से जब इंसान या जानवर गुजरता है तो वो फिर जो लर्निंग होती है वो इंतहाई पुख्ता होती है, इफेक्ट होता है उस पर, उसके सारे तजर्बे का, उसकी सारी गलतियों का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियरिस्ट एसोसिएशनिस्ट ग्वेटर। एडविन ग्वेटर की अब हम देखेंगे कि क्या उनकी क्या नज़रियात हैं एसोसिएशनिज्म के हवाले से। ग्वेटर बिकेम अ प्रोफेसर इन 1928, बिगन टू डिवेल्प हिज लर्निंग थ्योरी अलॉन्ग विद Steven Smith. He is a behaviorist studying the science of the observable. Begins to work with and develop introversion, extroversion, purpose, mechanism and fusion and non-musical intervals. Influenced by Pavlov's classical conditioning. ये पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उससे इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, और इन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स दिए डिफरेंट लर्निंग के हवाले से उनको हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल और नन लर्निंग। इंडिविजुअल्स फॉरगेट अ प्रीवियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस बिकॉज अ न्यू बिहेवियर इज फाउंड टू बी मोर बेनिफिशियल। इंसान अपने सबका तजर्बात रिस्पॉन्सेस को भूल जाते हैं जब उनके सामने कुछ नए बिहेवियर्स जो उनके फ़ायदे में होते हैं उन्हें वो सीखते हैं। तो इनहेबिटेंस सिस्टम ओनली अलाउज वन रिस्पॉन्स टू अकर टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टडीड कैट्स इन अ बॉक्स एंड रिसर्च स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स। डिफरेंट तरह के जो बिहेवियर्स थे उनके बारे में उन्होंने कैट बॉक्स वाले जो स्टोरी है उसमें अपने नज़रियात दिए। ही बिलीव डिसऑर्डर्स बिहेवियर्स वॉज ड्यू टू रिस्पॉन्स कंपीटिंग टू अकर टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस थस कॉजिंग कन्फ्यूजन। वन ट्रायल लर्निंग। Some new skills can be acquire after doing it only once. कुछ नए जो हैं responses, नई skills जो हैं वो इनके ख्याल में एक ही गलती से सीख लिए जाते हैं। Benefits of behaviors are quickly recognized and the behavior is shown against in the presence of the stimuli. Benefits of behaviors are quickly recognized. वो कहते हैं कि जिस बिहेवियर से उसको फ़ायदा मिलता है वो फ़ौरन उस चीज़ को पहचान लेते हैं और फिर उसी बिहेवियर को अगेन वो स्टिमुली मिलते ही शो कराते हैं। नो नीड फॉर रिपीटेशन प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि कोई भी प्रैक्टिस कराने की दोबारा दोबारा ज़रूरत नहीं है, किसी एक ही ट्रायल से ही सीख ली जाती हैं चीज़ें। रीइन्फोर्समेंट सिंपली चेंज द कंडीशन। वो कहते हैं कि आप जो रीइन्फोर्समेंट दे रहे हैं यानी जो गिज़ा दे रहे हैं बिल्ली को, वही फ़ौरन जो है कंडीशन यानी उसके बिहेवियर को चेंज कर देगी।
एडविन गोइटर्स थ्योरी हैज़ बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी टुडे। आजकल की साइकोलॉजी में एडविन गोइटर की थ्योरी ने बहुत बड़ा असर डाला है। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कॉन्टिग्यूटी हैव हेल्प्ड टू एक्सप्लेन सम ऑफ द मोर कम्प्लेक्स एंड अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट्स ऑफ पेवलो क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उसके बहुत सारे पहलुओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हेल्प मिली गोइटर की थ्योरी से। गोइटर्स थ्योरी इज कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कंपेयर टू अदर थ्योरिस्ट। दूसरे थ्योरिस्ट के निस्बत इनकी थ्योरी जो है वो बहुत शॉर्ट है लेकिन टू द पॉइंट है। However, he has greatly benefited the field of psychology by expanding on existing concepts and developing new ones. Cognitive theory of learning. Cognitive theories of learning. अभी हमने behavioral theories की बात की थी, responses की बात की थी कि किस तरह से हम कोई भी माहौल, हम या कोई भी जानदार जो है जिनके हमने एग्जांपल्स ली, वो किस तरह से किसी भी माहौल में सीखते हैं, बिहेव करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव। आपको आपने अच्छे से पढ़ लिया था शुरू के चैप्टर्स में कि कॉग्निटिव मीन सोचना, आपकी अकल, जहानत, नज़रिए, अकायद, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आती हैं। तो अब हम कॉग्निशन की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में, लर्निंग की, वो देखेंगे। कॉग्निशन इंक्लूड्स वन्स आइडियाज, बिलीव्स, थॉट्स एंड इमेजेस। कॉग्निशन का ताल्लुक इंसान के या किसी के नज़रियात, अकायद और सोच और तसव्वुरात के साथ है। वो यूज़ कॉग्निशन टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर समथिंग। हम किसी भी चीज़ को समझने और किसी चीज़ को याद रखने के लिए इमेजिनेशन से भी काम लेते हैं और कॉग्निशन से काम लेते हैं। कॉग्निशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ आवर मेंटल प्रोसेस सच एज परसेप्शंस, मेमोरी एंड जजमेंट। हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या जज करके क्या सोचते हैं, उसका नतीजा क्या अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि इस तरह से होगा तो इस तरह से होगा, अगर ये चीज़ होगी तो वो नतीजा आएगा। ये चीज़ें हमारा जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, उसको कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसिस चेंज दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑफ कॉग्निशन। इट्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ये एक दिमाग और एक जहानत का काम है कि किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना और उसको समझना। जैसे अभी आप अगर कॉग्नेटिव की बात कर रहे हैं तो आप कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट को आपने समझा था आपके अपने दूसरे तीसरे अल्बम तीसरे या चौथे चैप्टर में। तो कॉग्नेशन के बारे में समझना ही कॉग्नेटिव प्रोसेस, यानी किसी भी चीज़ के बारे में समझना, सोचना। आपने फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से सीखा तो वो भी आपकी एक कॉग्निशन डेवलपमेंट थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। आपने कुछ ना कुछ उस बारे में नॉलेज लिया और ना सिर्फ लिया बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी किया था, समझा भी था, तो वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी थी जिसके तहत आपने उसको अंडरस्टैंड किया। कॉग्निटिविस्ट फोकस most of their attention on studying how people think. Cognitive theories वाले जो हैं वो हमेशा इस चीज़ पर अपनी तवज्जो और फोकस रखते हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं। In cognitive theories, thinking plays the central role. सोचने का जो अंदाज है वही कॉग्नेटिव थ्योरी का मरकजी रोल है। Wolfgang Kohler की जो लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग बाय इनसाइट, हमने पिछली ट्रायल एंड एरर में देखा था कि इनसाइट के ज़रिए वो जानवर नहीं सीखते हैं लेकिन इंसान तो सीखते हैं। तो लर्निंग बाय इनसाइट, हम चूँकि लर्निंग इंसानों के हवाले से बात कर रहे हैं तो लर्निंग बाय इनसाइट इज़ अ मेन टॉपिक ऑफ दिस थ्योरी। द आइडिया ऑफ इनसाइट लर्निंग वाज फर्स्ट डिवेल्प्ड बाय कोहलर। ही डिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट्स विद एप्स। There the apps could use box and sticks as tool to solve problems. Insight learning. In each of these problems, the important aspects
ऑफ लर्निंग वाज नॉट रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि हर प्रॉब्लम जो इनसाइट लर्निंग के हवाले से अगर फेस कराया गया लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं थी। जैसे कि डॉग को कराया तो उसमें बेल थी, गिजा थी उसके आगे जो रखी गई, इसी तरह बिल्ली को केज में बंद किया तो उसके सामने फिश रखी गई, तो वो रीइंफोर्समेंट थी। लेकिन यहाँ लर्निंग बाय इनसाइट के लिए किसी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटीरियल, कोहलर रेफर्स टू दिस बिहेवियर एज इनसाइट और डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ पर वो कहते हैं कि चूंकि हमने रीइंफोर्समेंट कोई नहीं देनी, बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंकिंग, लेकिन जो सोचने का पैटर्न है, जो एक से दूसरे ख्याल का दिमाग में आना कि ये ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोड क्रॉस करूँ तो दाएं और बाएं मैंने देखना है, ठीक है। ये एक सिचुएशन अगर उसको दे दें कि रोड आप कैसे सेफली क्रॉस करेंगे कोई इंसान, तो उस पर वो जो सोचेगा बैठकर, तो उसके जो एक ख्याल आएगा कि मुझे दाएं देखना है, दूसरा बाएं तरफ भी देखना चाहिए, इस तरफ से रॉन्ग साइड से भी कोई आ सकता है। यानी इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी लर्निंग बाय इनसाइट होगी। और इसमें मटेरियल उसके हिसाब से क्या है जो कोहलर रेफर्स टू दिस बिहेवियर एज इनसाइट और डिस्कवरी लर्निंग, यानी जो दिमाग के अंदर ख्यालात चल रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उस दिमागी जो आपकी सोच है उसको हम एक बिहेवियर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। आइडियाज़ का आना एक के बाद दूसरा, और उसको वो नाम दे रहा है इनसाइट का, यानी लर्निंग बाय इनसाइट और डिस्कवरी लर्निंग का, यानी जो आप सोच के डिस्कवर करें अपने आइडियाज़ के थ्रू कोई भी सलूशन किसी भी प्रॉब्लम का। कोहलर प्रपोज द व्यूज दैट इनसाइट फॉलोज फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। His theory suggests that learning could occur when an individual perceives the relationship of the elements before him or organization or organized these elements and come to a greater understanding or insight. Again, फिर वही बात की, उसकी theory जो है वो suggest करती है that learning could occur, तब learning हो सकती है, सीख सकता है इंसान, ताल्लुम होता है जब एक इंडिविजुअल परसीव करता है, यानी सोचता है किसी चीज़ को, किसको, द रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स, जो भी मामलात उसके दिमाग में, उसको जो मामला दरपेश है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप वो जब सीखता है, परसीव करता है, सोचता है बिफोर हिम एंड रिकॉग्नाइज दीज एलिमेंट्स, और जब वो उन एलिमेंट्स को पहचान लेता है कि अगर मैं दाएं तरफ नहीं देखूंगा तो हो सकता है बाएं तरफ से आने वाले, दाएं तरफ से जो मैंने अगर देख लिया है और बाएं तरफ से आने की तरफ नहीं देखा तो हो सकता है कि मेरा जो एक्सीडेंट है वो इस तरफ से आने वाली ट्रैफिक से हो जाए, किसी चीज़ से टकराव हो जाए। तो इन चीज़ों को जब वो ऑर्गेनाइज करता है, इन एलिमेंट्स को वो सोचता है, तो वो जो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हुई वही इनसाइट है उस इंसान की। लर्निंग कुड अकर विदाउट रीइंफोर्समेंट एंड वंस इट अकर और रिव्यू ट्रेनिंग और इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी। वो कहते हैं कि लर्निंग हो सकती है रीइंफोर्समेंट के थ्रू, यानी उनको कोई भी मामला दिया जा सकता है रीइंफोर्समेंट की। जहाँ हमने पिछली लर्निंग पर क्लासिकल कंडीशनिंग पर बात की थी, तो वहाँ वो कहते हैं जब एक बार हो जाए तो कोई रिव्यू नहीं है उसका, ठीक है, बार बार ट्रेनिंग ही है, बार बार उसी चीज़ की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। यहाँ पर लर्निंग का जो रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है बसीरत के लिए, सीखने के लिए, लेकिन यहाँ कोई ना कोई मामला तो उसके सामने रखा जाएगा, वही मामला उसका रीइंफोर्समेंट होगा, जो सोचने के लिए जो प्रॉब्लम उसको दी गई होगी वही रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, और उसी की जो बार बार करवाई जाएगी प्रैक्टिस, तो वो ही जो है उसका मामला उसकी लर्निंग को पुख्ता करेगा, मैच्योर करेगा। यहाँ हम देखेंगे कि मैक्स वर्डमीनर गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी जो है उसके बारे में क्या लर्निंग थ्योरी दी हुई है। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स फॉर्म और कन्फिग्रेशन। अब आप
कंप्यूटर के इस्तेमाल के हवाले से और मोबाइल स्मार्टफोन के इस्तेमाल के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के लफ्ज़ से आगाह हैं कि इसके मतलब किसी चीज़ को रीसेट करना। गेस्टाल्ट थ्योरी वाज द इनिशियल कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू बिहेवियरिज्म। ये बिहेवियरिज्म के हवाले से बहुत एक शुरू की जो थ्योरी है वो कहलाई जाती है। इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसरी होल्स एंड द डायनामिक नेचर ऑफ विजुअल परसेप्शंस। अब यहाँ पर जो चीज़ें देख के सीखी जाती हैं, परसीव की जाती हैं, जो तसव्वुर में नहीं होती, उनके बारे में ये थ्योरी थी। लर्निंग वर नॉट पैसिव बट रादर एक्टिव। इसमें लर्नर्स जो थे वो सुस्त नहीं थे बल्कि एक्टिवली लर्न कर रहे थे। लर्नर्स डू नॉट जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एज इज बट दे एक्टिवली प्रोसेस एंड रिस्ट्रक्चर डाटा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। यानी यहाँ पर लर्नर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ना सिर्फ उसको कलेक्ट करते हैं तेज़ी से अपने दिमाग में बल्कि वो उसको रीस्ट्रक्चर भी करते हैं उस सारे इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा को, ताकि वो उसको समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फैक्टर्स लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस, नीड्स, एटीट्यूड्स एंड वंस प्रेजेंट सिचुएशन कैन इफेक्ट देयर परसेप्शंस। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो परसेप्शन को इफेक्ट करती हैं ऐसे लर्नर्स की, वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, माजी के तजर्बात, ज़रूरियात, एटीट्यूड्स और इस तरह की जो मौजूदा सिचुएशन है किसी भी इंसान की, वो सारी चीज़ें उसकी लर्निंग को इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये थी हमारी लर्निंग थ्योरीज, जो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।